प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी बुधवार को विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड-19 केंद्र का निरीक्षण किया और प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। दोपहर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सबसे पहले सिटी हॉस्पिटल में चल रहे 18 प्लस के लोगों के कोरोना वैक्सीनेशन का जायजा लिया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 सेंटर पर पहुंचे, जहां उन्होंने 60 पलंग वाले ऑक्सीजन युक्त वार्ड का शुभारंभ किया। साथ ही कॉलेज परिसर में बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का भी जायजा लिया। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट को जल्द से जल्द बनाने के निर्देश दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि कोरोना की चेन टूटे और संक्रमण कम हो। आम जन से भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और कोरोना कर्फ्यू में आम जनता का सहयोग मांगा है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। आप लोग देख रहे हैं कि जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है, उसकी रोकथाम के लिए, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए, जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए लगातार सरकार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, मंत्रिमंडल के सभी साथी और पूरी सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है कि किसी भी तरीके से संक्रमण की चेन टूटे और इस कोरोना महामारी पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकें, सब लोग स्वस्थ हो सकें। और पिछले आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते से जो केसों के जो पॉजिटिविटी थी, पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है और रिकवरी का रेट भी हमारा बड़ा है और केस जो पॉजिटिव पर डे निकल रहे थे उसमें भी कमी आई है, तो ये हमारे लिए एक सुखद खबर है और उसी के लिए हम लोग लगातार पूरा प्रयास कर रहे हैं कि संक्रमण की चेन टूटे। गांव-गांव में सर्वे करा रहे हैं, किल कोरोना अभियान चला रहे हैं। वहाँ लोग जो भी अगर किसी को थोड़े भी साइन सिम्टम है, भले वो पॉजिटिव है या नहीं है, उसको वहीं मेडिसिन की दवाइयाँ दे रहे हैं। पंचायतों पर, हर पंचायत पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, वहाँ पूरी व्यवस्थाएँ की गई। हर ब्लाकों पे भी हम लोगों ने CCC जो बनाए हुए हैं, कोविड केयर सेंटर, वहाँ पर भी ये लोगों को रखकर उनको वहाँ पर बराबर ट्रीटमेंट, और जो होम आइसोलेशन में उनको दो बार बात कर रहे हैं कोविड कमांड सेंटर से, मेडिसिन का किट सुनिश्चित कर रहे हैं जिससे कि वो लोग स्वस्थ हो गए। जो लोग हॉस्पिटलाइज हो गए उनको प्रॉपर व्यवस्था हो सके, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, उसके लिए लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का भी आज 18 प्लस से जो अभियान हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में शुरू किया है और ये चरणबद्ध तरीके से आज 5 और 6 को 104 साइटों पर हमारा वैक्सीनेशन होगा। उसके बाद हमारा जो 8 और 10 को वैक्सीनेशन होगा 400 के आसपास साइटों पर, और वहाँ 41,600 लोगों को करेंगे। फिर 12, 13 और 15 तारीख को हम लोग 916 स्थानों पर, 960 स्थानों पर केंद्र बनाकर और लगभग 96,000 लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। दूसरा, आज जो हमने ऑक्सीजन का प्लांट विदिशा में स्वीकृत हुआ था, उसकी प्रोग्रेस देखने के लिए भी यहाँ पर हम लोग आए थे और आज से हमारे विदिशा में हम लोग 60 बेड ऑक्सीजन के आज से और शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो मरीज अगर आ रहे हैं, जो लोग दूर से, यहाँ विदिशा चूँकि मेडिकल कॉलेज भी है इसलिए अन्य जिलों के लोग भी आते हैं, इसलिए कैपेसिटी को और भी बढ़ा रहे हैं और उन 60 बेड में से हम धीरे धीरे कुछ को फिर बाद में ICU में भी कन्वर्ट करेंगे, जिससे पेशेंटों को कोई दिक्कत ना आ पाए। और मैं आम नागरिकों से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों से ना निकलें, जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उसका पूरी तरीके से पालन करें, जिससे हम जल्दी से जल्दी इस संक्रमण की चेन को तोड़कर इस कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।